दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम को भी न्योता भेजा गया है। खबर यह है कि मसरत आलम कार्यक्रम में नहीं आएगा, लेकिन मसरत को न्योते से कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो गए। हमेशा हर 23 मार्च के हर साल 23 मार्च को ऐसी दावतें आती रहती हैं और लोग जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। मसरत साहब मुझे ये बताइए, ये 7 साल के बाद में ये हो रहा है, 7 साल के बाद, और आपके इन्विटेशन की थी, खासतौर आपको ज्यादा इन्विटेशन को बोला गया था आने के लिए, वजह क्या है? वजह यही है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो मैं कल ज्यादा बीमार था, तो लिहाजा वहाँ जाने का इरादा नहीं रखा। क्या आप तरह से कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गया क्या? जी हमारे साथ कुछ बातचीत की आपके, हम वहाँ पे क्या बोले वहाँ पे आपके? हाँ, हमने यही उनको मुबारकबादी पेश करेंगे इस मौके पे, और यही तवक्का रखेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के आवाम की जो जायज जदोजहद है उसकी हिमायत जारी रखें। आप चाहोगे कि बातचीत का सिलसिला फिर से जारी हो जाए जो एक से रुका हुआ था? अलगाववादी नेता मसरत आलम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि ये हर बार होता है इस तरह से पाकिस्तान दिवस पर अलगाववादी नेताओं को बुलाया जाता है, और ये भी कहा कि बीमार होने की वजह से वो इस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यक्रम में आने का न्योता मसरत आलम को, लेकिन बीमारी की वजह से मसरत ने आने से इनकार कर दिया है।